मित्रों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिर मृत आत्मा की मुक्ति के लिए मृतक के निमित्त परिवार वालों द्वारा उसकी 13वीं मनाई जाती है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर 13वीं मनाई क्यों जाती है और इससे प्रेत आत्मा को क्या फल मिलता है? अगर नहीं सोचा और नहीं जानते तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 13वीं के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। नमस्कार दर्शकों और द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मृतक आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर सके। इसीलिए आप सभी ने देखा होगा कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा मृतक आत्मा के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो मृतक के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, और इसी तरह 11वें और 12वें दिन शरीर पर मांस सज्जा और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन यानी कि 13वीं को जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तब उसे इससे ही यमलोक तक की यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है और फिर वह आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक के लिए निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्युलोक से यमलोक तक जाने में मृत आत्मा को 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। मित्रों, ये भी माना जाता है कि मृतक के परिजनों द्वारा इन 13 दिनों में किया गया पिंडदान ही 1 वर्ष तक मृतक आत्मा को भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं, और ऐसी आत्मा को यमलोक में बड़ा ही कष्ट पहुँचता है। भूखी आत्मा को जब यमदूतों द्वारा घसीटा जाता है तब उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं, और इस बीच भी यदि परिवार वालों द्वारा मृतक के निमित्त पिंडदान या फिर अन्नदान नहीं किया जाता तो उसे पूरे रास्ते में इस तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। परंतु यदि साल भर के अंदर मृत आत्मा के निमित्त कोई पिंडदान या फिर अन्नदान कर देता है तो उसे यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंडदान से आत्मा में बल आ जाता है और वह अपने पांव पर यात्रा करना आरंभ कर देती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार का एक अंग है। इसके बिना अंतिम संस्कार की पूर्णता नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृत आत्मा के निमित्त 13वीं की क्रिया नहीं होती उसे प्रेतित्व मुक्ति से मुक्ति नहीं मिलती। साथ ही ये भी बताया गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, और यदि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो 13 से ज्यादा ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। 13वीं के दिन ब्राह्मण को भोज करवाने को मृत्यु भोज का नाम दिया गया है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि कम से कम 13 ब्राह्मणों को इसलिए भोजन कराना अनिवार्य है ताकि मृत आत्मा को साल भर भोजन मिल जाए, और ये भोजन परिवार वाले अपनी स्थिति के हिसाब से करवा सकते हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने ये भी कहा है कि यदि मृत आत्मा के निमित्त कर्ज लेकर मृत्यु भोज किया जाए ऐसे में आत्मा को पूर्णतया मुक्ति नहीं मिलती। उसे ये देखकर कष्ट का अनुभव होता है कि उसके परिवार वाले उसकी वजह से कर्ज के दले दब गए हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि वो अकेला ही कष्ट भोगता। इससे आगे गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि यदि कोई मृतक के परिवार को मृत्यु भोज के लिए विवश करता है, यानी कि क्षमता से अधिक लोगों को भोजन कराने को विवश करता है, अथवा उसे मृत्यु भोज के लिए पैतृक संपत्ति को बेचने को कहता है, तो ऐसे मनुष्य को यमदूत कभी माफ नहीं करते, और जब उसकी मृत्यु होती है तब उसे यमदूत कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे पुनः मृत्यु लोक में भेज देते हैं। इन सब के अलावा 13वीं के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वीं होने के बाद परिवार के लोग भी मृतक के लिए धीरे धीरे शोक करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वे लोग शोक मुक्त हो जाते हैं और फिर अपने धर्म कर्म में लग जाते हैं, जिससे जीवन की गति आगे बढ़ने लगती है। मित्रों, मृतक की जब 13वीं हो जाती है और वे यमदूत के साथ यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ता है तब वह मन ही मन अपने परिवार वालों की भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करता है और बार बार पीछे लौटने की कोशिश करता है, मगर वह लौट नहीं पाता। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है मृत आत्मा भी अपने परिवार वालों के मोह से मुक्त होने लगती है अर्थात भूलने लगती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया है कि मृत्यु के बाद तो पिंडदान करने से मृतक के लिए खाने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन यमलोक के रास्ते में उसे प्यास भी लगती है। इसीलिए मृतक के पुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता के निमित्त रोज जल तर्पण करे
ताकि मृत आत्मा को जल की कमी ना हो। तो मित्रों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? 13वीं क्यों मनाई जाती है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही और धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।